महिला लाड़की बहन आणि लाड़की बेटी सुरक्षा योजना कधी लागू होणार? यही मेरा एक सवाल है कि इतने सालों से महिलाओं के न्याय की बात करते हैं और महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से खोके लो धोके दो मॉडल शुरू किया है, जो दोगलापन है कि खोके लो और धोके दो महाराष्ट्र को, वो अब महाराष्ट्र सहने वाला नहीं है। लोकसभा ट्रेलर था, अभी आने वाले समय में हम देखेंगे, उससे पहले हमारी बेटियों को, महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, शक्ति कानून इमीडिएटली लागू होना चाहिए। मैंने खुद ने राष्ट्रपति को लिखा था, 3 साल हो गए उद्धव जी के नेतृत्व में हमने तरह तरह कानून लाए थे महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर। वंदनीय सरकार ने आज हर महिला को सक्षम किया था महाराष्ट्र में कि बगैर किसी डर के वो घर से बाहर निकले। आज आपने घर का माहौल बनाया है, आपने एक ऐसा माहौल बनाया जहाँ महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है, हम उसके खिलाफ ही लड़ाई। मैडम, धरणे आंदोलन भाजपा तुमच्या विरोधात, म्हणजे जे मुक आंदोलन आले त्याच्या विरोधात करण्याचं ठरवले, काय सांगाल? मैं बस एक ही चीज कहूंगी, इनको समझ में आ गया है, इनकी चांदनी, जो 4 दिन की चांदनी है, खत्म होने जा रही है। अमावस आने वाली है, सालों के लिए आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का आगे का समय सिर्फ अंधकार है, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र को अंधकार में झोंकने का काम किया है। महाराष्ट्र की जनता जाग उठी है और ये मशाल उनकी लाइफ जिंदगी में रोशनी लाएगी। महाविकास अगाड़ी फिर से दोबारा आएगी और शक्ति कानून हो या ऐसा कोई भी कानून हो जो हमारी महिलाओं को न्याय दे सकेगा, हम लागू करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू।